हाय फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल फार्मा हब में। तो गाइस, एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के, जो आपके लिए बहुत ही खास हो सकती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो इसलिए इस वीडियो को देखना ना भूलें। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने वैक्सीनेशन की, यानी टीकाकरण जो हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इफ़ यू आर न्यू ऑन माय यूट्यूब चैनल फार्मा हब, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, एंड नेवर फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन एंड नेवर मिस इन अपडेट। तो गाइस, आइए बात करते हैं, अपने व्हाइट बोर्ड की ओर चलते हैं। तो गाइस, जैसे आपको बताया, जो हमारा COVID-19 पीरियड चल रहा है, जो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही डेंजर है। तो गाइस, इसीलिए हम बात करेंगे वैक्सीनेशन की। तो गाइस, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो हमारी वैक्सीन को लॉन्च कर चुकी है और हमारा वैक्सीनेशन पीरियड स्टार्ट हो चुका है। तो गाइस, जो हमारा वैक्सीनेशन है, उसमें हम जो हमारी गवर्नमेंट है, वो दो वैक्सीन को लॉन्च कर चुकी है, जैसे एक है कोवैक्सीन, दूसरी है हमारी कोविशील्ड। तो इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे कि इनको कैसे कैसे हम यूज़ कर रहे हैं, किस किस रूट से दे रहे हैं, किसने इसको मैन्युफैक्चर किया है, ये सब बात हम इस लेक्चर में जानेंगे। तो गाइस, इसलिए इस वीडियो को देखना ना भूलें। तो आइए बात करते हैं अपने, सबसे पहले कोवैक्सीन के बारे में बात करेंगे, फिर कोविशील्ड के बारे में बात करेंगे, इनके दोनों के कंपैरिजन में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं अपने कोवैक्सीन का। तो कोवैक्सीन हमारा जो पहला फर्स्ट पॉइंट है, वो क्या कहता है, डेवलप्ड बाय, मतलब किसके द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया गया है, किसके द्वारा इसको प्रिपेयर किया गया है। तो इसको प्रिपेयर किया है हमारा भारत बायोटेक ने, मतलब भारत बायोटेक मतलब जिसको आप ICMR कहते हो, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च मेडिकल रिसर्च, जिसको क्या कहते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कहते हैं, जो हमारा कहाँ पे, जो हमारा दिल्ली में लोकेटेड है। और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1911 में, कितने में, 1911 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और हमारा ये कहाँ पे है, ये हमारा दिल्ली में है, ये हमारा दिल्ली में। तो आइए बात करते हैं इसमें हमारा कोविशील्ड में, कोविशील्ड हमारा ये भी एक वैक्सीन है गाइस। तो इसमें हम जो हमारा इसको डेवलप किया है, इसको किया है हमारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, जो कहाँ पर स्थित है, जो हमारा पुणे में स्थित है, पुणे में। ये हमारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, ये हमारा पुणे में स्थित है। और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1966 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो गाइस, सेकंड पॉइंट क्या कहता है, नंबर ऑफ डोज, मतलब कितनी नंबर ऑफ डोज होनी वो दी जा रही है हमारी, जो हमारी कोवैक्सीन, जो हमारा वैक्सीनेशन हो रहा है, उसमें कितनी नंबर ऑफ डोज दे रहे हैं। तो गाइस, उसमें हम दो नंबर ऑफ डोज दे रहे हैं, मतलब हर एक वैक्सीन की दो डोज दी जाएगी, यानी अगर आपको कोविशील्ड दी जा रही है तो उसकी दो डोज देनी जाएगी, और अगर आपको कोवैक्सीन दी जाए तो उसकी भी दो डोज दी जाएगी। तो मतलब जैसे आपको फर्स्ट डोज दी गई और उसके बाद सेकंड डोज दी जाएगी। तो गाइस, अब क्या है, थर्ड पॉइंट क्या कहता है हमारा, डोज इंटरवल, मतलब डोज इंटरवल कितना होना चाहिए, कितना रखा गया है इसके बाद में, वो बताते हैं। तो इसमें इसने कहा है, जो हमारा डोज इंटरवल है कितना है, 28 डेज, मतलब ये क्या है, 28 डेज का हमारा इसमें डोज इंटरवल रखा गया है। मतलब कि जैसे आपको आज फर्स्ट डोज आज दी गई है, तो मतलब जो सेकंड डोज दी जाएगी वो आपको 28 डेज के बाद में सेकंड डोज दी जाएगी। तो ये हमारा डोज इंटरवल रखा गया है। तो ये हमारा सेम है, इधर भी हमारा कोवैक्सीन में और कोविशील्ड में दोनों जगह ये हमारा डोज इंटरवल क्या है, सेम है, आफ्टर 28 डेज के बाद, मतलब फर्स्ट डोज से 28 दिन के बाद दूसरी डोज दी जाएगी। थर्ड पॉइंट क्या कहता है गाइस, डिलीवरी रूट, मतलब किस रूट से दी जानी है ये, जो हमारा जो डिलीवरी रूट है वो इंट्रामस्कुलर है, यानी मसल्स में दी जाएगी हमको, ये थ्रू इंजेक्शन के थ्रू दी जाएगी मसल्स में। तो ये हमारा डिलीवरी रूट हो गया गाइस। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम एज ग्रुप, मतलब कितने एज ग्रुप में हम इसको दे रहे हैं। तो गाइस, जो हमारा कोवैक्सीन का जो एज ग्रुप है वो कितना होना चाहिए, वो मिनिमम होना चाहिए 12 ईयर, मिनिमम कितना 12 ईयर, और 12 ईयर से अबाव कितने भी हो सकता है उसको हम कोवैक्सीन दे रहे हैं। और गाइस, जो कोविशील्ड है हमारी, जो नेक्स्ट वैक्सीन है, दूसरी वैक्सीन है, उसका जो हमारा एज ग्रुप होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, वो हमारा होना चाहिए 18 और अबव, जो हमारा 18 है वो मिनिमम एज 18 होनी चाहिए, उसके बाद आप कितने भी हो सकते हो, तो आपको कोविशील्ड की डोज दिया जा सकती है। तो गाइस, नेक्स्ट से बात करते हैं टाइप्स ऑफ वैक्सीन की, मतलब किस टाइप की वैक्सीन से हमारी। तो इसमें बात करते हैं कोवैक्सीन किस टाइप की वैक्सीन है, ये प्रिपेयर्ड ऑन अ ट्रायड एंड टेस्टेड प्लेटफॉर्म ऑफ डेड वायरस, मतलब क्या, इसको प्रिपेयर किया गया है, ट्रायल किया गया है, टेस्टेड किया गया है, किस पे, डेड वायरस पे इसको हमने टेस्टेड किया गया है। और जो हमारी कोविशील्ड वैक्सीन है, इसको हमने क्या किया है, इसको आपको प्रिपेयर किया गया है ट्रायल, इसमें वायरल वेक्टर, इसको क्या कहा, वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म पे इसको हमने टेस्ट किया है। तो गाइस, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है हमारा, एफिकेसी, मतलब कि जैसे आपको बता दूं कि जो हमारा जो न्यू ड्रग आती है उसके लिए हम सबसे पहले ट्रायल करते हैं, हमारा ट्रायल, इसको क्लिनिकल ट्रायल कहते हैं, सबसे पहले
क्लिनिकल ट्रायल से पहले प्री क्लिनिकल होता है जो हमारा एनिमल्स पे किया जाता है, फिर उसके बाद हमारा ट्रायल स्टार्ट होता है जो ट्रायल में हम ह्यूमन बींग को यूज़ करते हैं, इसमें हम वॉलेंटियर्स यूज़ करते हैं। तो गाइज जो हमारा ट्रायल होता है उसमें हमारे 4 फेज होते हैं, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 एंड फेज़ 4। तो गाइज जो इसी हम यही ट्रायल के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, जैसे जिसने कहा थर्ड ट्रायल में, तो ट्रायल वही ट्रायल के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें फोर मतलब ट्रायल होते हैं जिसमें 4 फेज होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो गाइज जो हमारा फर्स्ट फेज होता है उसमें हम यूज कर अपना मेजर करते हैं, अपनी सेफ्टी वगैरह देखते हैं, उसमें सेफ्टी वगैरह चेक करते हैं। सेकंड फेज में हम एफिकेसी चेक करते हैं, थर्ड फेज में हम उसमें अपनी एफिकेसी और सेफ्टी दोनों को चेक करते हैं, और फोर्थ फेज में हम जिसको हम क्या कहते हैं पोस्ट मार्केटिंग कहते हैं, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस कहते हैं। तो उसको हम मार्केट में ड्रग को आने के बाद उसके साइड इफेक्ट वगैरह का यूज़ करते हैं, उसके टॉक्सिसिटी वगैरह को देखते हैं, मेजर करते हैं। तो गाइस इसने क्या कहा है जो उसकी एफिकेसी वो कितनी आई है, वो जो हमारी कोवैक्सीन है उसकी एफिकेसी हमारे पास 81% एफिकेसी आई है हमारी थर्ड ट्रायल में, और जो हमारी कोविशील्ड है उसकी हमारी जो एफिकेसी आई है वो आई है 62% हमारी एफिकेसी आई है थर्ड ट्रायल में। तो गाइस ये हमारे जो इम्पोर्टेंट बात थी कोवैक्सीन के बारे में जो हम यूज़ कर रहे हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड के बारे में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने आपको ये जानकारी दी। तो गाइस आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को देखना ना भूले, ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो सकती है। तो गाइस आपसे एक बार और रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जल्द से जल्द वैक्सीनेशन कराएं, वैक्सीनेशन कराना ना भूले, आपके नज़दीकी केंद्र पर या आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या आपके गवर्नमेंट स्कूल वगैरह में वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन कराएं और गवर्नमेंट की हेल्प करें इस कोविड-19 को ख़त्म करने में, इसका खात्मा करने में, इसकी चेन को तोड़ने में हेल्प करें गवर्नमेंट की, और स्वस्थ रहें, स्टे होम एंड कीप सेफ। थैंक यू गाइस वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग।